हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन प्यारे से मिनी गुलाब से। और टेरेस पे हम जब कोई भी पौधे लगाते हैं तो हम ज़्यादातर अपने किचन से जो वेस्ट निकलता है उसका हम कंपोस्ट बनाकर पौधों में यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पौधे भी कितने हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं और इस तरह से हमें फ्लावर भी देते हैं। तो आज तो ये तो बात हो गई हमारे किचन कंपोस्ट की। किचन कंपोस्ट से एक और निकलता है लिक्विड, जिसको ज़्यादातर हम फेंक देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा उसी लिक्विड के ऊपर है कि लिक्विड से हम किस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो फिर चलते हैं फ्रेंड किचन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय पे मैंने अपनी किचन में कुछ दाल चावल भिगोया हुआ है। एक मैंने टप लिया है छोटा सा और जो उसका भिगोया हुआ पानी है वो मैं स्टोर कर रही हूँ टप में। और आप दाल चावल छोले चने कोई भी चीज़ फुलाते हैं तो उसका जो पानी निकलता है वो आप फेंकिएगा नहीं। वाइल करते हैं तो उसका भी पानी ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए, विदाउट नमक होना चाहिए वो पानी। तो इस तरह से आप अपना सब्जी धोते हैं तो सब्जियों का भी पानी आप ले सकते हैं, और सब्जी धोने वाला जो पानी होता है वो डायरेक्ट आप अपने पौधों में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सब्जियों का भी पानी लिया हुआ है। ये कुछ आलू भी रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं इसका भी जो उबला हुआ पानी है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार करेगा लिक्विड का। और अब मैं इसको 10 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख देती हूँ। 10 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हुआ है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिन के बाद आप देखिए ये लिक्विड कंपोस्ट हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मुझे जितना है, जैसे कि ये 2 लीटर है, तो मुझे इसका 10 गुना पानी लेकर इसको डाइल्यूट करना है पानी में, और फिर हम अपने पौधों को देंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक सार कर लेते हैं, किसी लकड़ी की सहायता से इसको अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो हम अपने पौधों को डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बहुत ही अच्छा स्रोत है NPK का, और आप अपने पौधों में ये डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पौधों में फूल नहीं आते हैं या फल नहीं आते हैं तो आप ये हर महीने या 2 महीने में इसको एक बार अप्लाई कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को। और ये जितने भी फ्लावर वाले पौधे होते हैं, जो सबसे अच्छे गुलाब का जो पौधा होता है ना, उसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसको 1 से 1.5 महीने में गुलाब में अप्लाई करिए। ये फर्टिलाइज़र आपको इतने सारी गुलाब देंगे। मैं ज़्यादातर अपने पौधों में इसी फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ, और आप देख सकते हैं मेरा वेस्ट भी जो होता है वो यूज हो जाता है, मेरे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप हल्की सी पौधे की गुड़ाई कर लें, और इसके बाद ही आप अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र दें। और इस समय पे आप देख सकते हैं मेरे भी पौधों में कुछ अच्छे गुलाब आए हुए हैं। तो इंडोर प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आप थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाइल्यूट करके डालें, क्योंकि फ्रेंड जो हमारे आउटडोर प्लांट होते हैं, गर्मी का सीज़न है तो हम उनमें डेली पानी देते हैं और वो डेली सूखता है, तो उसमें फंगस लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें हम वीक में या 4 दिन में एक बार पानी देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का अगर पानी ठहरता है तो थोड़ा सा फंगस लगने का डर रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 गुना पानी डाइल्यूट करके हमें देना है, तो आप अगर इंडोर प्लांट में दे रहे हैं तो आप उसको 20 गुना पानी डाइल्यूट करिए, फिर इसके बाद पानी दीजिए। इस तरह से आप इंडोर प्लांट में भी पानी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो ये वीडियो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बगिया का ध्यान रखें, और फ्रेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।